हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शानास किचन। आज हम देखेंगे चिकन नगेट्स बनाने की रेसिपी। ये बोनलेस चिकन के कीमे से बनते हैं और इसे आप स्नैक्स या स्टार्टर की तरह भी सर्व कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन को मिक्सर में बारीक पीस लिया है। नेक्स्ट मैंने फ्रेश ब्रेड क्रम्स लिए हैं, ये 2 बड़े चम्मच लहसुन की पेस्ट है, ये बारीक कुटी हुई काली मिर्च है 2 बड़े चम्मच, हरी मिर्च है 2 से 3 बारीक कटी हुई, नमक लेंगे स्वाद अनुसार, ये सोया सॉस है डार्क सोया सॉस 2 बड़े चम्मच, 2 अंडे लिए हैं और फ्राई करने के लिए तेल लगेगा। सबसे पहले मैं इसमें काली मिर्च की पाउडर ऐड करूंगी, उसके बाद डालूंगी लहसुन की पेस्ट, फिर इसमें हरी मिर्च ऐड करूंगी। नेक्स्ट हम इसमें सोया सॉस डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार, 2 से 3 चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नगेट्स का मिक्सचर रेडी है, अब हम इसके कोटिंग की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने 2 एग्स लिए हैं, उसमें थोड़ा नमक ऐड करूंगी और इसे अच्छे से फेंट लूंगी। अब एक बाउल में मैंने थोड़ा सा तेल लिया है, इसे हम हाथों पे लगाएंगे ताकि चिकन नगेट्स का मिक्सचर हाथों पे चिपके ना। अब थोड़ा सा चिकन का मिक्सचर लेंगे और उसे नगेट्स की शेप देंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली नगेट्स इसी शेप के होते हैं। अब हम इसे अंडे के मिक्सचर में डीप करेंगे और ब्रेड क्रम्स पे रख देंगे। मैंने ब्रेड क्रम्स को प्लेट में स्प्रेड किया है ताकि एक साथ हम 4 से 5 नगेट्स तैयार कर सके। इससे टाइम भी कम लगता है और ज़्यादा मेस भी नहीं होता है। इसी तरह से हम बाकी के नगेट्स भी तैयार कर लेंगे। अब नगेट्स को एक एक करके पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ध्यान रखें कि नगेट्स ब्रेड क्रम में अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसमें से एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स निकालते हुए इसे दूसरी प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे नगेट्स को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, नगेट्स फ्राई करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन फ्राई करने से पहले हम 10 से 15 मिनट के लिए इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। आप नगेट्स को 1-2 हफ्तों तक फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे इसे फ्राई करके खा सकते हैं। 1/2 किलो बोनलेस चिकन में हमारे 15 से 20 नगेट्स बन जाते हैं, डिपेंड्स ऑन साइज। अब हम इसे फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें नगेट्स को फ्राई कर लेंगे। नगेट्स को हम मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब हम इसे दूसरी साइड से पलट लेंगे और दूसरी साइड से भी इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारे नगेट्स अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और इसे सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।